कुछ राजनीतिक खबरों की हम बात करते हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सिंधिया की इस मुलाकात को मंत्रिमंडल गठन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है, क्योंकि 20 तारीख को सरकार जो है वो गिरी थी कमलनाथ की, और उसके बाद 23 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली, और उसके बाद 24 तारीख से हम सभी लॉकडाउन में हैं। इसके बाद मंत्रिमंडल गठन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो रही है और चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई है कि वो कौन से नाम हो सकते हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। देखिए, समय भी आपको बता दें कि 2 से 3 दिनों का समय अभी माना जा रहा है जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सिंधिया अपने खेमे से 6 पूर्व मंत्रियों को मंत्री पद दिलवाना चाहते हैं, जिसमें तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी और प्रद्युम्न सिंह तोमर शामिल हैं। ये सभी वो नाम हैं जो कमलनाथ सरकार में भी मंत्रिमंडल में जगह पा चुके हैं। एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हें अब शिवराज कैबिनेट में जगह दिलवाना चाहते हैं, जिसको लेकर अमित शाह से उनकी चर्चा हुई होगी और मंत्रिमंडल गठन से इसको सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है।